तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये रहा सेकंड पार्ट इस वीडियो का। थोड़ा सा मतलब बीच का पार्ट छूट गया है क्योंकि कैमरा सेटअप करने में दिक्कत हो गया था। तो ज़्यादा कुछ इसमें हुआ है नहीं, सिर्फ चारकोल का पाउडर लेकर सब जगह ऑल टोटल एरिया में ब्लेंड किए हुए बस। अभी हाथ के पास जो भी हेयर वेयर है वो कैसे ड्रॉ होगा वो बताएंगे अभी। अब जो भी डार्क एरियाज दिख रहा है उस जगह पे मैं चारकोल सॉफ्ट यूज़ किया हुआ हूँ। अब थोड़ा सा मतलब हाथ जिस हिसाब से फोल्ड है उस हिसाब से चारकोल पाउडर लेके उस जगह पे ब्लेंड करना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मतलब पेंसिल से सेट करने का उतना इस स्केच में ज़रूरत है नहीं, क्योंकि रेफरेंस फोटोग्राफ हल्का सॉफ्ट टाइप में है, इसलिए चारकोल पाउडर ही यूज़ करना पड़ रहा है इस जगह पर। अच्छे से अब लोग कर ही इसे करना पड़ रहा है। और सबसे ज़ीरो नंबर का ब्रश अभी ब्लेंड करने के लिए यूज़ कर रहे थे, और टॉम्बो मोनो से फिर हाइलाइट्स जो फिंगर जिस हिसाब से फोल्ड उस हिसाब से देना पड़ रहा है और ध्यान से एकदम ऑब्जर्व करके करना पड़ रहा है। और कोई मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, ये तो काफ़ी कॉस्टली है। ऐसे कोई भी 10 रुपीज़ का मैकेनिकल पेंसिल भी ठीक वर्क करता है। और पेशेंस के साथ ड्रॉ करना होगा। अपने ड्राइंग को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो अपने ड्राइंग पर मतलब फुल फोकस और टाइम, क्योंकि काफ़ी लोग ड्राइंग करते समय टाइम ही नहीं देता है उस ड्राइंग को, फटाफट कर लेता है, लेकिन उस टाइप से नहीं करना है। टाइम देकर, जब तक टाइम नहीं देगा तब तक ड्राइंग अच्छा नहीं बनेगा, रियलिस्टिक नहीं बनेगा। और चारकोल पाउडर भी मतलब ऐसे तैसे यूज़ नहीं करना, उसे भी मतलब लेयर बाय लेयर ही यूज़ करना है। अभी मैं कम से कम काफ़ी बार ब्रश से लेकर चारकोल पाउडर अच्छा से ऑब्जर्व कर करके ही कर रहा हूँ स्केच पर। और हाइलाइट्स भी एकदम ध्यान से देख कर देना होगा। और डिटेल्ड करने के लिए मैकेनिकल पेंसिल काफ़ी ज़रूरी है, चाहे पेंसिल को शार्प करके भी यूज़ कर सकते हैं। और डिटेलिंग करने के लिए टॉम्बो मोनो भी काफ़ी ही ज़रूरी है, ऐसे नीडेड इरेजर से भी कर सकते हैं लेकिन उसे यूज़ करने आना चाहिए अच्छा से। और इस जगह पे इस हिसाब से मतलब सॉफ्ट चारकोल यूज़ करना होगा कि मतलब एक फिंगर के ऊपर दूसरा फिंगर लगा हुआ एकदम रियलिस्टिक दिखना चाहिए, इसलिए काफ़ी ध्यान से हाइलाइट्स वाइलाइट्स देते हुए। और इस जगह पे भी जहाँ पर बेबी का हाथ हाथ
हाथ के ऊपर में है, वहाँ भी इस टाइप से स्केच करना, मतलब सेट करना होगा कि एकदम रियलिस्टिक टाइप का दिखे कि हाथ उस हाथ के ऊपर में है। जब भी इस हिसाब से मतलब हाथ हो चाहे हेड भी हो, जहाँ पे हेयर कम और हाईलाइट ज़्यादा हो उस जगह पे मतलब फर्स्ट एकदम लाइट शेडिंग, उसके बाद जहाँ जहाँ हाईलाइट है वहाँ नीले रेजर से रब कर लेना है। कोई भी रेजर यूज़ कर सकते हैं, ऐसे नीले ही सही रहता है। और चारकोल या 8B भी सही रहेगा जहाँ पे। और रेफरेंस फोटोग्राफ को एकदम देख कर जिस फ्लो में स्ट्रोक रेफरेंस फोटोग्राफ में उसी स्ट्रोक में उसी फ्लो में स्केच पे भी स्ट्रोक लगाना है एकदम, रेफरेंस को ऑब्जर्व करते ही करते। और बीच बीच में हाईलाइट भी जिस हिसाब से उस हिसाब से देते रहना होगा, नहीं तो फिर हाईलाइट का पता नहीं चलेगा किस फ्लो में हाईलाइट करना। फाइनली कंप्लीट हो चुका है, अराउंड 15 आवर प्लस का टाइम लगा स्केच को ड्रॉ करने में। अब साइड में इस टाइप से दिखाना है कि मतलब थोड़ा अच्छा लगे, इसलिए कैमलिन का सॉफ्ट चारकोल यूज़ करें और फिर मेकअप का टाइट ब्रश और स्केल को एक बार यूज़ करने के बाद टिश्यू से साफ़ करने के बाद यूज़ करना पड़ता है, नहीं तो पेपर को वो गंदा कर देता है। दोनों साइड से कर लेते हैं एकदम अच्छे से स्ट्रेटली। टाइट ब्रश से फिर ब्लेंड कर देंगे उसे, तो वो काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। और मैं इसमें फिक्सेटिव करने वाला हूँ यूज़ क्वांटा पेरिस का, जो काफ़ी प्रोफेशनल है। तो यूज़ करने से पहले फेस पे मास्क ज़रूर पहन लें, क्योंकि ये हार्म कर सकता है बॉडी को। ये रहा रेफरेंस फोटोग्राफ और ये रहा फाइनल स्केच।